सहरसा में दुर्गा पूजा के विजयदशमी तक शहरी क्षेत्र में यातायात को लेकर नए रूट चिन्हित किए गए हैं, जिसके तहत ई रिक्शा सहित सभी छोटे बड़े वाहनों का परिचालन सुनिश्चित होगा, जिससे शहरी क्षेत्र में भीड़ की संभावना के दौरान कम जाम लगने की बात बताई जा रही है। सदर थाना में प्रेस वार्ता आयोजित कर ट्रैफिक डीएसपी प्रवीण कुमार ने बताया कि आगामी दुर्गा पूजा के मूर्ति विसर्जन तक शहर में बड़ी वाहन के प्रवेश में पूर्णतः बंद कर दिया गया है। उन्होंने आम जनता से अनुरोध करते हुए बताया कि सड़क किनारे गलत तरीके से वाहन को पार्किंग न करें। प्रतिष्ठान मालिकों से अनुरोध करते हुए उन्होंने मेला के दौरान सड़क को छोड़कर दुकान लगाने का आग्रह किया है। हम देखिए शहर में कोई नहीं जाए, पार्किंग व्यवस्था है नहीं, तो वैकल्पिक के लिए शहर में बड़ी वाहन का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। किसी भी तरीके से बड़ी वाहन में पिकअप, ट्रैक्टर, ट्रक, बैजनाथपुर की ओर आने वाली गाड़ी का परिचालन तिवारी चौक, यादव चौक बाईपास से होगा। महावीर चौक से शंकर चौक की ओर आने वाली ई रिक्शा परिचालन और वाहन का परिचालन ढलान चौक, गांधी पथ, वीर कुंवर सिंह चौक के रास्ते होगा। स्टेशन चौक से शंकर चौक आने वाली ई रिक्शा का परिचालन सब्जी मंडी के रास्ते होगा। रिफ्यूजी चौक से समारनालय मत्स्यगंधा की ओर आने वाली ई रिक्शा का परिचालन सराही नया बाजार होकर रहेगा। थाना चौक से शंकर चौक आने वाली ई रिक्शा का परिचालन यथावत रहेगा। थाना चौक से वीर कुंवर सिंह चौक जाने वाली ई रिक्शा वाहन का परिचालन सुपर मार्केट के रास्ते होगा। तिवारी चौक से पूरा बाजार की ओर जाने वाले परिचालन का बंद रहेगा और वो वाहन सभी वाहन लक्ष्मणीय चौक पॉलिटेक्निक ढाला के रास्ते होगा। कचहरी चौक से कोसी चौक के मध्य ई रिक्शा का परिचालन पूर्णतः बंद रहेगा। सभी से अनुरोध है कि गलत तरीके से पार्किंग नहीं करेंगे। कुछ जगह पे ड्रॉप गेट बनाए गए हैं, कुछ जगह पे अस्थायी पार्किंग स्थल पूजा को लेकर बनाया गया है। जहाँ जहाँ ड्रॉप गेट बना है वो है रिफ्यूजी चौक, तिवारी चौक, थाना चौक के पूर्वी ओर और थाना चौक के पश्चिमी ओर, और कुछ अस्थायी पार्किंग स्थल जो है सुपर मार्केट जो सबसे बड़ा पार्किंग स्थल होगा, प्रशांत सिनेमा हॉल के सामने शिवपुरी पूजा पंडाल के पूरब, और जो सबसे बड़ा पार्किंग स्थल है वो सभी वाहनों का वो है पटेल मैदान। धन्यवाद।